हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम फूड चेन फूड वेब्स एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने रहिए वीडियो में एंड तक चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है आ नेचुरल इको इज गिवन ऑप्शन में आपको बताना है नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है डिपेंड्स ऑन द मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स इज ऑटो ऑपरेटेड तो क्या है इसका करेक्ट आंसर एक नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है ऑटो ऑपरेटेड होता है ठीक है सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू आ पॉन्ड इज एक पॉन्ड जो है वो क्या है आ बायोम आ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आ नेचुरल इको नन ऑफ द अब एक पॉन्ड जो है वो क्या होता है नेचुरल इकोसिस्टम होता है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज दुनिया का लार्जेस्ट इको सिस्टम कौन सा है ऑप्शन फॉरेस्ट ग्रास लैंड्स ग्रेट लेक्स ओशियंस तो दुनिया का जो लार्जेस्ट इको सिस्टम है वो क्या है ओशियंस है सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट

करेक्ट है सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव पिकॉक्स फ्रॉग्स इन टर्न ईट द लीव्स ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स द दिकॉक इज क्या स्टेटमेंट है पिकॉक जो है वो स्नेक्स को खाता है स्नेक्स जो है वो फ्रॉग को खाता है फ्रॉग इन टर्न इट्स द लीव्स ऑफ द प्लांट्स तो जो पिकॉक है जिसने स्नेक को खाया वो क्या हुआ ऑप्शन प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर डीकोजर द फूड पायरामिड करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी द फूड पायरामिड क्या हुआ सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंगल इकोसिस्टम क्रिएटेड बाई ह्यूम इनमें से कौन सा है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो की ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है ऑप्शन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एग्रो इको सिस्टम इको सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स एंडस्ट इको सिस्टम तो कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो ह्यूम द्वारा क्रिएट किया गया है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इको सिस्टम इंक्लूड बायोटिक कम्पोनेट्स में क्या आता है इको सिस्टम के ऑप्शन प्रोड्यूजर्स कंज्यूमर्स एंड डी कम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स ओनली कंज्यूमर्स ओनली करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए बायोनेट ऑफ एन इको सिस्टम जो है उसमें क्या क्या आता है प्रोड्यूजर्स कंज्यूमर्स एंड डी कम्पोजर्स ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट इकोसिस्टम्स आर क्या है ऑलवेज ओपन ऑलवेज क्लोज बोथ ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटी बोथ ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन बायो मास इको सिस्टम जो है वो क्या है बोथ ओपन एंड क्लोज डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिटी ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंटायर बायोस्फियर बताना है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंटायर बायोस्फियर की क्या है ऑप्शन आप लोग रीड आउट कर सकते हो करेक्ट आंसर जो है इसमें इसका दैट इज ऑप्शन ए वन सेवेंटी विलियन टन ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट अकर्स इन एन एरिया विद लो रेनफॉल हाई टेम्परेचर एंड लूज एंड सैंडी सॉइल इज कॉल्ड वॉट इस तरह की जो टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे ऑप्शन हैं ग्रास लैंड स्क्रब फॉरेस्ट जीरोफिटिक एवरग्रीन ट्रॉफिक फॉरेस्ट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी जीरोफिटिक ठीक है इस तरह की टाइप ऑफ वेजिटेशन को हम कहेंगे जीरोफिटिक वेजिटेशन ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन विच फैक्टर लिमिट्स द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इको सिस्टम मोस्ट ऑफन बताना है कौन सा फैक्टर है ऐसा ऑप्शन सोलर रेडिएशन लाइट ऑक्सीजन कंज्यूमर्स नाइट्रोजन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए सोलर रेडिएशन और लाइट ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है सबसे स्टेबल इको सिस्टम ऑप्शन है माउंटेन डेजर्ट फॉरेस्ट ओशियन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी ओशियन ठीक है ओशियन जो है वो मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम में आता है सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट आर द टू कम्पोनेंट्स ऑफ एन इको सिस्टम इको सिस्टम के दो कम्पोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं ऑप्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स वीड्स एंड ट्रीज बायोटिक एंड ए बायोटिक फ्रॉग एंड मैन तो कौन से हैं दो कम्पोनेंट्स दैर इज बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेंट्स ठीक है सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इकोसिस्टम्स रिसिस्ट चेंज बिकॉज दे आर इन अ स्टेट बताना है इम्बैलेंस होम्योस्टेसिस शॉर्टेज ऑफ कंपोनेंट्स डेफिशंसी ऑफ लाइट करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी होम्योस्टेसिस ठीक है दे आर इन द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एनर्जी स्टोरेज एट द कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड कंज्यूमर लेवल पे एनर्जी स्टोरेज को क्या कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर नेट प्रोडक्टिविटी तो उसे क्या कहेंगे दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सी का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 एनर्जी फ्लो इन एनी इको एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज बताना है किस तरह का होता है एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल बायडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल ऑल ऑफ दीज तो किस तरह का होता है एनर्जी फ्लो दैट इज यूनिक डायरेक्शनल ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑप्शन इज इक्वल टू द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एन इको सिस्टम इज ग्रेटेस्ट इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी इन एन इको सिस्टम इज इनवर्टेड इन सम्वेटिक इको सिस्टम किस तरह की होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी इन एन इको सिस्टम ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन वट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डीकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन सॉइल माइक्रोब्स ठीक है कौन से हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स इस तरह के जो रेगुलेट करते हैं डीकम्पोजिशन को ऑप्शन हैं

प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी ठीक है। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बैक्टीरिया एंड आर है ऑप्शन बी आंसर क्वेश्चन कौन सा टाइप है इकोसिस्टम का जिसमें हाइएस्ट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो ऑप्शन ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट बी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टेम्परेट डेडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इस तरह का इकोसिस्टम का टाइप है जिसमें क्या है हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोइंग इज नॉट अ गैशियस बायोकेमिकल साइकिल इन एन इक इनमें से कौन सा है जो कि एक गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है इकोसिस्टम में सल्फर साइकिल फॉस्फोरस साइकिल नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी फॉस्टफोरस साइकिल जो है इज नॉट अ गैशियस बायो जियो केमिकल साइकिल इन एन इको सिस्टम सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइ इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन द मेज फील्ड इको सिस्टम प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है मेज फील्ड इको सिस्टम में ऑप्शन लॉइन ग्रास होपर वुल्फ फाइटोप्लेंगट करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी

ऐट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ठीक है कहता है अगर एक इकोसिस्टम जो है उसमें सिर्फ तीन ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है तीसरे ट्रॉफिक लेवल तक ठीक है ऑप्शन में थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट वन परसेंट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है वन परसेंट एनर्जी जो है विल बी कंजर्व एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वट टाइप ऑफ पायरामिड शोज द वेस्ट एफिशियंसी ऑफ एन इको सिस्टम कौन सा टाइप ऑफ पायरामिड है जो कि शो करता है वेस्ट एफिशियंसी एक किसी इको सिस्टम की ऑप्शन है पायरामिड ऑफ नंबर पायरामिड ऑफ बायोमास पायरामिड ऑफ वॉल्यूम पायरामिड ऑफ एनर्जी करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी पायरामिड ऑफ बायोमास जो है वो शो करता है वेस्ट एफिशियंसी किसी इको सिस्टम की सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर

हाउ मच अमाउंट ऑफ फूड इज़ अवेलेबल टू द टाइगर इफ़ द ग्रास प्रोडक्शन इज वन टन बताना है कितना फूड जो है अवेलेबल होगा टाइगर के लिए अगर ग्रास प्रोडक्शन जो है वन टन है ठीक है किसी सिंपल इकोसिस्टम में जहाँ ग्रास डियर एंड टाइगर है, हैं ऑप्शंस हैं हंड्रेड के जी टेन के जी वन के जी हंड्रेड ग्राम्स तो कितना होगा वो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है 10 kg ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 विच टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज प्रेजेंट इन द ट्री इकोसिस्टम ट्री इकोसिस्टम में कौन सा टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर है ऑप्शंस अपराइट इनवर्टेड रंबोइडल बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी इनवर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड होगा पिरामिड ऑफ नंबर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट टाइप ऑफ पिरामिड शोज अ स्टैंडिंग क्रॉप इकोसिस्टम कौन सा टाइप ऑफ पायरामिड है जो शो करेगा एक स्टैंडिंग क्रॉप इकोसिस्टम को ऑप्शन है पायरामिड ऑफ एनर्जी पायरामिड ऑफ नंबर पायरामिड ऑफ बायोमास नन ऑफ द अब करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी पायरामिड ऑफ बायोमास ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी ऑफ फूड चेन कैन हैव ट्रॉपिक लेवल्स ऑप्शन बताना है एक फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल्स हैं थ्री और फोर थ्री टू वन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए थ्री या फिर फोर ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वेर डू हर्बी वोर्स डीट फिट इन टू आर फूड चेन बताना है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स में या फिर प्राइमरी स्किन या सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर डीकम्पोजर्स में करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर्स में ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन आर फूड बेब ईच सक्सेसिव प्रॉफिक लेवल हैज बताना है एक फूड वेब में ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल जो है उसमें इंक्रीज टोटल एनर्जी लेस टोटल एनर्जी कंटेंट मोर टोटल एनर्जी कंटेंट नॉन एस्टिमेटेड एनर्जी कंटेंट क्या होगा उसमें करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी है लेस टोटल एनर्जी कंटेंट होगा सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हु प्रपोज द टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इको सिस्टम इको सिस्टम में टेन परसेंट लॉ जो है वो किसने प्रपोज किया है ऑप्शन है लिनमैन कार्ल मोविल्स टेंसले डॉवी तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए तो ये जो है ये जो टेन परसेंट एनर्जी फ्लो लॉ टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो है जो इकोसिस्टम में वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया है लिन मैन ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हु क्वाइंट द टर्म इको सिस्टम टर्म इको सिस्टम जो है वो किसने दी है ऑप्शन ई पी ओडम ए जी टें ई हैकल ई e, वॉमी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है ए जी टेंसले द्वारा दी गई है ये टर्म सो तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर वॉट इको सिस्टम हैज़ द हाइस्ट बायोमास इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसका, जिसका हाइस्ट बायोमास होगा ग्रास लैंड इको सिस्टम पौंड इको सिस्टम लेक इकोसिस्टम फॉरेस्ट इको सिस्टम करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी फॉरेस्ट इको सिस्टम हैज़ द हाएस्ट बायो मास सो so, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ठीक है दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर जिसमें हमने इको सिस्टम फूड चेंज एंड फूड वेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू हैव डे